आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट क्वेश्चन इज गिवन दैट अ रबर बॉल इज बाउंस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम व्हिच हैज हिट सेलिंग एट अ हाइट ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर द बॉल हिट्स द फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड रिबाउंड्स Vertical app. Okay, if all the collisions simply reserve the velocity of the ball without changing its speed. Okay, then how long does it take the ball for round trip? Okay, from the moment it bounces from the floor to the moment it returns back to it. Okay, the acceleration due to gravity is ten meter per second, and option is given A, B, C, and D. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बच्चों पहले तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फ्लोर और क्या सीलिंग तो मान लेते हैं सीलिंग है और ये फ्लोर है ठीक है इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवेन है क्या है इनके बीच की डिस्टेंस है थ्री पॉइंट टू मीटर ठीक है अब क्या होता है कि मान लेते हैं बॉल यहाँ पे है अब यहाँ तक रीच करते समय हम देखते हैं बच्चों कि स्पीड क्या हो जा रही है जैसे ही ये फ्लोर पे बॉल री रिच कर रही है इसकी स्पीड हमें दे रखी है द बॉल हिट द फ्लोर विद द स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो कितने मीटर पर सेकेंड से टेन मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है ठीक है अब इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चों की रिबाउंस वर्टिकली इफ ऑल अपलिजन सिंपली रिजर्व रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल ठीक है विदाउट चेंजिंग इन स्पीड तो बिना स्पीड चेंज के क्या हो रहा है बच्चों रिवर्स कर रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या होगा देखिए बिना स्पीड चेंज किए रिवर्स हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब स्पीड इस इसकी रिवर्स के टाइम पे इतना ही मिलेगा टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों फिर से स्ट्राइक करता है ठीक है स्ट्राइक करने के बाद हमें पता है बच्चों कि क्या होगा अब फिर से उतनी ही वेलोसिटी से मतलब अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ से टकराने के बाद हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो जाएगा फिर से इसी वेलोसिटी में यहाँ तक रीच करेगा ठीक है तो हमें जो टाइम बताना है कौन सा बताना है कि जब यहाँ से रीच करता है बच्चों में और अप साइड से फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे आ रहा है और फिर सेकंड से, से थर्ड पॉइंट पे आता है तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा तो हमें पता है जितना टाइम ऊपर की ओर लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा ठीक है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों की क्या हो रहा है ऊपर जाने में लगा टाइम हम क्या फाइंड कर सकते हैं बल्को बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है ठीक है अब देखते हैं बच्चों किस वेलोसिटी टक्कर कर सकता है तो यहाँ पे जो कोलिजन होगा कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी अप साइड में वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं ठीक है लेकिन इतना पता है बच्चों कि यहाँ पे वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड होगी ठीक है जैसे ही यहाँ पे टकरा रहा होगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकंड होगी और फिर ऊपर जाएगा तो इसी वेलोसिटी से जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में नहीं पता है ठीक है बच्चों तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों अगर हम न्यूटन मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाते हैं ठीक है थीके? वो क्या होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स इकोस्ट, टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए एस होता है ठीक है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों ऊपर की ओर फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है और इनिशियल इनिसी पता है बच्चों ऊपर की ओर टेन की वेलोसिटी से जा रहा है ठीक है बच्चों और प्लस का टू ए एक जो नीचे की ओर लगेगा तो माइनस का क्या लेते हैं बच्चों टेन लेते हैं ठीक है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एस यहाँ पे पता है बच्चों कितना है थ्री पॉइंट टू है तो यहाँ से हम वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो वी स्क्वायर बराबर में मिलेगा हंड्रेड माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा थ्री पॉइंट टू इंटू टू कितना हो जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे अगर हटाते हैं तो कैंसिल हो जाएगा ये सिक्सटी फोर हो जाएगा ठीक है तो कितना आएगा बच्चों थर्टी सिक्स आएगा तो भी की वैल्यू कितनी आएगी आएगी बच्चों सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसका मतलब हमने अभी जो फाइंड किया वो यहाँ फ़ाइंड किया बच्चों की सिक्स मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ पे टकराएगा और टकराने के बाद ठीक है जो कोलिजन होगा वो सिक्स मीटर पर सेकेंड से होगा और उसके बाद फिर इसी वेलोसिटी से नीचे की ओर आएगा ठीक है बच्चों क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कोलिजन सिंपली रिवर्स रिवर्स वेलोसिटी ऑफ द बॉल ठीक है तो चाहे आ, फ्लोर पे हो और चाहे सेलिंग पे हो ठीक है कोलिजन के बाद क्या होता है सिंपली रिवर्स हो जाता है ठीक है उसी स्पीड से फिलोसिटी रिवर्स हो जाएगी तो अब हमें पता है बच्चों कि जो टाइम यहाँ पे लग रहा है वही टाइम यहाँ पे भी लगेगा T1 और T2 इक्वल होगा ठीक है क्योंकि हमें पता है अप साइड पे फिलोसिटी सिक्स है और डाउन साइड पे टेन है अब हम टाइम निकाल सकते हैं बच्चों ठीक है तो अगर हम ऐसा करते हैं बच्चों की सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वी बराबर यू प्लस ए टी ठीक है इसको इसको यहाँ पे

इधर आएगा ये 4 हो जाएगा तो t क्या मिलेगा 0.4 सेकंड ठीक है बच्चों तो क्या हम कह सकते हैं t1 है ठीक है थीके? ओके अब t1 और t2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें से हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो ये पूछा जा रहा है कि जब यहाँ से रिबाउंस होता है ठीक है उसके बाद सीलिंग फेस आता है और सीलिंग से फिर रिटर्न होता है और फ्लोर पे आता है ठीक है तो दोनों के बीच का टाइम बताना है जो t1 t2 के इक्वल है

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर